नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस वेल्थ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में आपसे बात करने वाला हूं जो कि अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास करंटली कोट कर रहा है, और यहां से उम्मीद निकल के आती है कि ये स्टॉक अपने और भी ज्यादा हायर लेवल्स दिखा सकता है। यहाँ से एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट इस स्टॉक के अंदर हमको मिल सकता है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है रिलायंस केमोटेक्स। ये इंडस्ट्री बेसिकली यार्न प्रोड्यूस करती है या उस सेगमेंट से बिलोंग करती है। इस सेगमेंट के बाकी के जो स्टॉक्स हैं या बाकी की जो कंपनी है उन्होंने बहुत ही अच्छा रन हमको दिखा दिया है इस स्टॉक के अंदर। ये स्टॉक बेसिकली मैं आपके लिए क्यों लेके आया हूँ इसके बारे में मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताऊंगा। बट एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें हमको जो देखने के लिए मिली है वो ये है कि प्रमोटर्स ने इसमें अपनी जो बाइंग है वो बढ़ा लिए। प्रमोटर का जो स्टेक है वो बढ़ के हायर रेंज की तरफ आ चुका है। रिजल्ट्स भी इनके काफी अच्छे आए हैं जिनको आगे चल के मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सही समय पर मिलती रहे, और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। मैं डेली ऐसे स्टॉक्स के बारे में वीडियो अपलोड करता हूं जिनमें आप स्विंग ट्रेड ले सकते हैं और जिन स्टॉक्स में ब्रेकआउट होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको उन स्टॉक्स के बारे में भी डिटेल मिल जाएगी। नेक्स्ट सैटरडे से मैं ऑनलाइन स्टॉक मार्केट का कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि प्योरली ऑनलाइन रहेगा। अगर आपको उस कोर्स के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम में या व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं रिलायंस केमोटेक्स के बारे में आपको बता रहा था, ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास करंटली कोट कर रहा है। स्टॉक का प्राइस करंटली 142 रुपीज के आसपास है। ये स्टॉक मैं आपके सामने इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं जो प्रोमोटर्स का होल्डिंग है वो 72% के पास बना हुआ है, यानी कि अभी भी अपने हायर रेंज पे बना हुआ है। बट इसमें जो एक अच्छी चीज हमको देखने को नजर आई है वो ये है कि लास्ट दो क्वार्टर में प्रोमोटर्स ने जो अपना स्टॉक्स को या अपने शेयर्स को प्लेज किया हुआ था उनको इन्होंने रिलीज किया है, यानी कि दो क्वार्टर में कंपनी ने अपने प्लेजिंग किए हुए स्टॉक्स को रिलीज करवाया है। ये बात इस स्टॉक के लिए अच्छी बन सकती है। कंपनी कंटिन्यूसली अपने जो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हैं उनको रिड्यूस कर रही है। इनकी लेटेस्ट बैलेंस शीट के हिसाब से करंटली इनके ऊपर सिर्फ 23 करोड़ का ही डेब्ट बचा हुआ है। अगर मैं FY21 के Q4 रिजल्ट्स की बात करूं तो वो भी इन्होंने बहुत ही अच्छे प्रेजेंट किए हैं। इनका जो EPS है वो लगभग 7.6 का निकल के आया था जो कि लगभग 300% इंक्रीज हुआ था इनके प्रॉफिट की वजह से। अगर हम यहाँ पे इनके नेट प्रॉफिट को देखेंगे क्वार्टरली तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट इनका क्यों अच्छे से इंक्रीज हो रहा है। वहीं अगर मैं EPS की बात करूं तो EPS भी आप देखते हैं इनका बहुत ही अच्छे से इंक्रीज होता हुआ हमको यहाँ पे नजर आ रहा है। जैसा मैंने बताया था कि मार्च के क्वार्टर में इनका 7.66 का EPS निकल के आया था। चलिए अब मैं डायरेक्टली आपको इनके टेक्निकल चार्ट के ऊपर या फिर स्टॉक के चार्ट के ऊपर लेके आता हूँ जहां पे हम इस चार्ट का एनालिसिस करके देखेंगे कि स्टॉक के लिए कौन से लेवल्स निकल के आते हैं। अब क्योंकि स्टॉक अपने लोअर लेवल से बहुत ही ज्यादा ऊपर आ चुका है, यानी कि 50-60 रुपए के लेवल से अभी करंटली 140 के आसपास कोट कर रहा है, तो मैं आपको वीकली चार्ट पे इस स्टॉक को दिखाता हूँ। डेली चार्ट पे हमको बहुत सारी चीजें नजर नहीं आएंगी। अगर मैं वीकली चार्ट पे आपको दिखाता हूँ तो स्टॉक ने अपना जो लाइफ हाई बनाया था वो लगभग 162 के आसपास का बनाया था। करंटली जो स्टॉक कोट कर रहा है उससे पहले वाला जो इसका हाई था वो लगभग 137 का था जो कि 2018 के जनवरी में इसने लगाया था। करंटली स्टॉक उस लेवल को ब्रेक कर चुका है और इसके बाद जो अगला हाई लेवल इसके लिए निकल के आता है वो लगभग 146 का निकल के आता है। अभी करंटली 142 पे कोट कर रहे हैं तो यहां से हमको थोड़ा कॉशियस भी रहना पड़ सकता है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि स्टॉक ने अगर ब्रेकआउट दिया तो बहुत ही अच्छे अपसाइड हमको नजर आ सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि यार्न की प्राइसेस जो मार्केट में इंक्रीज हो रही हैं उस चीज का बेनिफिट इस स्टॉक को भी मिलेगा। स्टॉक हो सकता है अपना लाइफ टाइम हाई भी ब्रेक कर दे, यानी कि 162 के ऊपर भी स्टॉक जाकर के क्लोजिंग दे सकता है। वीकली क्लोजिंग क्योंकि अब की और हमको पहली बार इतनी बुलिश मिली है, आप देख सकते हैं पास्ट में जब भी स्टॉक उस लेवल के आसपास गया है तो हमको वीकली क्लोजिंग इतनी बुलिश कभी भी देखने के लिए नहीं मिली थी। इस स्टॉक के अंदर आप एंट्री करंट लेवल पे बना सकते हैं। अगर रिस्क नहीं लेना चाहते बहुत ज्यादा तो इंतजार कीजिए। अगर स्टॉक नीचे आता है 130-135 के आसपास तो आप एंट्री लीजिए। स्टॉप लॉस इसके अंदर 110 का निकल के आएगा।
नियर टर्म में आपको 162 रुपए के टारगेट तो आसानी से देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक अपसाइड डायरेक्शन दिखा रहा है वो 162 तक के लेवल आसानी से दिखा देगा। 162 के लेवल अगर क्लोज हो जाता है या फिर मैं बोलूं 170 के ऊपर की ये वीकली क्लोजिंग देता है तो हमको इसके अंदर और भी अच्छे टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। ये स्टॉक एक तरीके से डबल भी हो सकता है, क्योंकि ये अपना मल्टी ईयर और लाइफ टाइम हाई जो है वो दोनों को ही ब्रेक करता हुआ यहाँ पे हमको दिखाएगा। इस स्टॉक के लिए आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, हो सकता है स्टॉक यहाँ से करेक्शन दिखा सकता है। दोस्तों उम्मीद करूंगा जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है वो आपके लिए यूजफुल होगी। इस स्टॉक के ऊपर वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि आजकल ये स्टॉक बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, बहुत से सोशल प्लेटफॉर्म में इस स्टॉक के बारे में बातचीत की जा रही है। एज अ डिस्क्लोजर आपको बताना चाहूंगा, जो भी लेवल्स या बात इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में शेयर की है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए शेयर किया, मैं किसी को भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर मेरी दी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो एक बार आप अपने किसी भी ट्रस्टेड स्टॉक ब्रोकर या फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार डिस्कशन करने के बाद ही इस स्टॉक में अपना पैसा निवेश करें।